प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। समय किसका सफल होता है? जो बातें करता है उसका, जो व्यर्थ चर्चा करता है उसका, जो दिन भर टीवियों के सामने बैठी रहती है महिलाएं, कभी सास भी कभी बहू थी वो देखने, क्या उसका समय किसका सफल होता है? और मनुष्य मनुष्य कहने के लायक कब बनता है? कोई जवाब देगा मुझे, समय कब सफल होता है? हाँ, जो सत्संग सुनता है उसका समय सफल होता है, संतों का सानिध्य प्राप्त करता है उसका समय सफल होता है, और कोई सेवा, जो सेवा करता है उसका समय सफल होता है। सेवा, साधना, सुमिरन और सत्संग, ये चार साधन ऐसे हैं कि मनुष्य अगर साधारण से साधारण भी हो, व्यक्ति अगर पापी से पापी भी हो, तब भी वो महान से महान बन सकता है। अगर चार में से कोई एक भी साधन व्यक्ति पकड़ लेता है तो वो असाधारण व्यक्तित्व का धनी होने लगता है, या तो उसे किसी सेवा में प्रीति हो जाए, या तो उसे नाम जप से लगाव हो जाए, या उसे सत्संग सुनने की आदत हो जाए। चार चीजें बताई, सेवा, साधन मतलब नाम जप, सेवा, साधन, साधन मतलब कोई भी ऐसी साधना वो कर रहा है ज्ञान के प्राप्ति की, या तो वो सत्संग सुन रहा है, या ध्यान कर रहा है, या योग का अभ्यास कर रहा है, ये साधन है। सुमिरन मतलब नाम जप और संतों की संगति। संतों की संगति, एक व्यक्ति अगर साधु भी शादी में चला जाए ना, चार शादियों में चला जाए तो वो संसारी बन जाएगा, पर यदि कुछ वर्ष संतों की संगति में रह जाए तो वो भी भगवान बन जाएगा। इस संतों की संगति, संतों की संगति बहुत बड़ा बदलाव लाती है जीवन में, हमारी सोच को विशाल बना देती है, हमारी संकीर्णताओं से हमें ऊपर उठा लेती है और हमें साधारण से असाधारण प्रतिभा संपन्न बनाने लगती है संतों की संगति। तो व्यक्ति को अगर संतों में प्रीति है तब भी वो पार है उसका बेड़ा, अगर नाम जप में प्रीति है तो भी उसका बेड़ा पार है, अगर किसी साधन में प्रीति है तो भी उसका बेड़ा पार है, और सत्संग में रुचि है तब भी उसका बेड़ा पार है, पर चारों में से किसी एक में रुचि जरूर होनी चाहिए। नाम जप में जिसको प्रीति है वो नामदेव, सतत भगवान का नाम लेते लेते विट्ठल 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 कहते कहते ही उनको सिलबट्टे में से भगवान प्रकट हो जाते हैं धन्ना जाट के, और नामदेव कुत्ते में से भी श्री हरि को प्रकट कर देते हैं, ये उनकी नाम जप की महिमा थी, नाम जप का प्रताप था। सत्संग में जिसको रुचि है वह व्यक्ति कितना ही साधारण क्यों ना हो, साधारण से असाधारण बनने की ओर गति करने लगता है। एक व्यक्ति यदि सत्संग में गलती से भी चला जाता है और दो घंटे के या एक घंटे के सत्संग में एक व्यक्ति अगर एक बात भी पकड़ लेता है तो उसका जीवन साधारण मिटकर असाधारण जरूर बनेगा। आपको लगता है कि सत्संग सुनने के पहले आप कुछ और थे और सत्संग सुनने के बाद आप में परिवर्तन है, ये किसकी महिमा है पता है?
सत्संग की महिमा है। इसमें मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है कि एक आदमी पेशे से चोर था, चोरी करना उसका धर्म था। उसका दादा चोर, हम नहीं कहते कि हमारा पूरा खानदान लॉयर है, हमारा पूरा खानदान डॉक्टर है, उस आदमी का खानदान चोर था। दादा चोर, पर दादा चोर, बाप चोर और अब बेटा भी चोर। किसी भी जगह पर चला जाए चोरी किए बिना नहीं रहता था। एक बार जैसे पिता अपनी बिजनेस की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बेटे को कुछ टिप्स देता है कि बेटा ये काम मत करना और ये काम तू आराम से कर सकता है। माएँ जैसे अपनी बेटी को ब्याहने के बाद कुछ नसीहतें देती हैं कि बेटा ससुराल में ये काम बिल्कुल मत करना और ये काम ज़रूर करना जिससे तेरे सास ससुर खुश हो। अगर अच्छी माँ होगी, अगर बुरी माँ होगी तो कहेगी कि सुनना ही मत किसी की, अपने मन की करते रहना, कोई चाहे कुछ भी बोल दे, चाहे इज्जत खराब हो जाए, फिर भी माताएं ये बात नहीं सोचती। माताओं से ये परंपरा चलती है, माएँ सात पीढ़ी या तो तारने वाली बनती है या तो डुबाने वाली बनती है। इसीलिए माताओं को चाहिए बच्चियों को और बच्चों को अच्छे संस्कार दिया करे। बेटे ने अपने पिता से कहा कि पापा, इस पूरे आपके जो चोरी का सिलसिला चलाया है आपने, जो परंपरागत हमारा पेशा है, उसमें कुछ नसीहत देना चाहेंगे? उसके पिता ने एक नसीहत दी, पता है क्या? उस पिता ने कहा कि बेटा, कुछ भी हो जाए, एक काम कभी मत करना। वो क्या पिताजी? बोले, कहीं पर भी सत्संग चलता हो तो कान बंद कर लेना, पर सत्संग मत सुनना। क्यों? क्योंकि अगर सत्संग सुनेगा ना तो चोरी कर नहीं पाएगा, अपने काम धंधे का क्या होगा। बेटा, अगर कहीं पिता, बेटा पूछता है पिता से कि पिताजी, अगर तो कहीं सत्संग चल रहा हो और मैं कहीं वहां से गुजरूं तो क्या करूं? जोर से कान दबा के ऐसे निकल लेना जैसे एक भी शब्द तूने सुना ही नहीं। पक्का बेटा? पक्का पिताजी। प्रॉमिस बेटा? प्रॉमिस पिताजी। एक बार वो किसी राज्य में, किसी राजा के महल में चोरी डाका डालने के लिए जा रहा था। जैसे ही वो किसी खेतों से गुजरा तो वहां इसी तरह से पंडाल लगा हुआ था और कुछ लोग बैठे वहां सत्संग सुन रहे थे। पंडित जी वहां पर सत्संग कर रहे थे। जैसे ही वो वहां से गुजर रहा था तो उसे सुनाई दिया कि यहां पर भगवान का नाम का कीर्तन चल रहा है। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। उसने क्या किया? जोर से कान बंद कर लिए। जैसे ही वो वहां से गुजर रहा था उसके पैर में कांटा चुभ गया। ओए मां! पैर को पकड़कर वो एक जगह पर बैठा और कांटा निकालने लगा। जब कांटा निकालता है तो हाथ की जरूरत पड़ती है। उसका हाथ एक हाथ से पैर पकड़ता है और दूसरे हाथ से कांटा निकालता है। जैसे ही उसने दोनों कान अपने फ्री कर दिए, हाथों को छोड़ दिया, इतने में ही उसे उस पंडित जी की बात सुनाई देती है कि देवता धरती से 2.5 फीट ऊपर चलते हैं, उनके पैर धरती पर नहीं लगते हैं, उन्हें परछाई नहीं होती और उन्हें पसीना नहीं आता। 4 बातें उसने सुन ली कि देवता जमीन से 2.5 फीट ऊपर रहते हैं, उन्हें परछाई नहीं होती, उन्हें पसीना नहीं आता और वो जमीन पर नहीं चलते, हवा में उड़ते। ये 4 बातें उसने सुन ली। जैसे ही उसने सुना, उसने कहा, अरे बाप रे, मैंने सुन लिया, कांडल कांडल, हटल 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 हटल। फिर से उसने अपने कान हाथों से बंद कर दिए, पर जो सुनना था वो तो उसने सुन लिया।
अब वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़कर वो राज्य में राजा के वहां पर चोरी करता है, वो सफल होता है, डाका डालता है और बहुत सारी सुवर्ण मुद्राएं वो चोरी करके अपने पॉकेट में डालकर जैसे ही दीवार कूदता है तो वहां पर सेना के सेनापति उसे देख लेते। अरे चोरे चोरे, पकड़ो 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 चोरे, सारे द्वारपाल उसके पीछे लग जाते चोर के पीछे चोर को पकड़ने के लिए। वो दीवार कूदता है, दीवार कूदकर राज्य के उस भाग में दौड़ता है जहां निर्जन लोग नहीं होते, निर्जन क्षेत्र होता है। सिपाही पीछे लगे, वो पसीना पसीना हो रहा है, ऐसा करते किसी एक बगीचे में घुस जाता है। बगीचे में जाते से ही वो दौड़ते 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 मूर्छा को प्राप्त हो जाता है और बेहोश होके वहीं गिर पड़ता है। जैसे ही वो बेहोश होके गिरता है तो द्वारपालों ने कहा कि हमें पता तो नहीं है कि यही चोर है, हमने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, हम तो इसके पीछे घूमे घूमे आ रहे हैं, हो सकता है कि ये कोई और हो, पर हमारे राजा न्यायप्रिय राजा हैं, अन्याय नहीं करते किसी से। अगर इसे पकड़कर उठाकर ले जाएंगे और अगर ये चोर नहीं निकला तो राजा को बड़ा प्रायश्चित होगा, क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि यही अपने मुंह से बोले कि ये चोर है। तो वहां जो उस राज्य की जो रानी थी, उस रानी की जो दासियां थी, उनको बहुत देवी देवताओं की तरह उसने तैयार कर दिया। कुछ सेना बनी देवता और दासियां बनी देवियां। जैसे ही सुबह होते उसकी मूर्छा टूटती है और एक प्लान के मुताबिक देवियां उसके पास जाती है और कहती है, हे युवक कौन हो तुम? बोले, आप कौन हो? मूर्छा में था, आधी तंद्रा थी आधी मूर्छा थी। हे युवक तुम कौन हो? युवक पूछता है कि मैं यहां पर कैसे और तुम कौन हो? बोले, हम स्वर्ग की अप्सराएं हैं और ये हमारे साथ देवी देवता है, तुम कौन हो? उसने अपना नाम बताया। अच्छा, तुम क्या काम करते हो? पकड़ने की प्लानिंग थी ना, तुम क्या काम करते हो? अप्सराएं हैं हम, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? क्या तुम्हें किसी धन की जरूरत है? क्या तुमने कहीं धन छोड़ा है? क्या तुमने कहीं धन दबाया है? हमें बताओ, हम अप्सराएं हैं, एक मिनट में तुम्हारा धन वहां से ले आएंगे। उन्हें क्या लगा कि ये अभी बोलेगा कि मैं एक चोर हूं, मैंने ये धन वहां गाड़ा है, जाओ वहां से ले आओ क्योंकि सेना मेरे पीछे पड़ी है। इतने में उसे क्या याद आता है, देवताओं की परछाई नहीं होती, देवी देवताएं ऊपर चलते हैं, उन्हें पसीना नहीं आता, वो जमीन पर नहीं चलते। उसने जैसे ही देखा सूर्योदय हो रहा था, लंबी लंबी परछाइयां हो रही है इनकी, इनको पसीना भी आ रहा है और ये जमीन पर भी है, पक्का ये जो सेना मेरे पीछे पड़ी थी ना उसी की कोई चाल है। उसने तुरंत अपने आप को संभालते हुए कहा, ना 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 ना, मैं तो बहुत सज्जन पुरुष हूं, यहां से जा रहा था और किसी डाउट में सेना मेरे पीछे पड़ गई और मैं यहां पर आराम करने के लिए रुक गया, ना मेरा कोई धन है ना मैंने कहीं धन गाड़ा है, मैं तो बहुत सज्जन पुरुष हूं, मेरे पिता बड़े धार्मिक थे। उन लोगों को क्या लगा कि हम कोई गलत जगह पर आ गए, वो लौट कर वापस चले गए और वो चोरी करते हुए पकड़ा जाने वाला था और बच गया, ये भी सत्संग का ही तो प्रताप था, जो बिना जानकारी के, सुना तो सही पर सत्संग उसे उस अपने पेशे में भी काम लगा। वो वापस उस विद्वान के पास जाता है और कहता है कि मैं आज बच गया, उसमें आपकी बड़ी अनुकंपा है, कुछ 100 मुद्राएं मैंने चुराई है, 50 आपकी और 50 मेरी, 50 आप रख लो 50 मैं रखता हूं। पंडित जी कहते हैं, मैं चोर नहीं हूं, तूने चोरी की तो क्या मेरे उपदेश से चोरी की? महाराज, आपके उपदेश से चोरी नहीं की, पर आपके उपदेश ने मुझे बचा लिया। पंडित जी कहते हैं कि तू ये विचार कर
कि अगर तो तू चोरी करता है, उस चोरी करते करते भी यदि सत्संग तुझे बचा लेता है, तो यदि तू सच में सत्कर्म करेगा तो तेरा तो कैसा कैसा हो जाएगा, तू स्वयं देवी और देवता की श्रेणी में आ जाएगा। आप नहीं मानोगे, उस चोर ने चोरी करने का पेशा छोड़ के साधुताई को स्वीकार किया और पंडित जी को कहता है कि मुझे गुरु मंत्र दे दो, जिस सत्संग के चार वचनों ने मेरे जीवन को बदल दिया है वो मेरे जन्म जन्मांतर को बदलने की ताकत रखता है, कृपया मुझे मंत्र दीक्षा देकर बताओ। ये वो चार वचन थे जो सत्संग के सुनकर चोर ने चोरी करना छोड़कर साधुताई को ग्रहण कर लिया। या तो आपकी सत्संग में रुचि हो, अगर अरुचि भी हो फिर भी आप सुनोगे ना, तभी भी सत्संग अपना काम करता है। आपको पता ना हो कि इसमें जहर है, फिर भी जहर तो अपना काम करता है ना। आपको पता ना हो कि इस पोटली में बर्फ रखी है, फिर भी बर्फ को हाथ लगाने से शीतलता आती है, अग्नि को हाथ लगाने से उष्णता आती है, ऐसे ही सत्संग को छूकर हवाएं चलती है वो भी शीतलता देने वाली हो जाती है। इसीलिए सत्संग जान कर करो, अनजाने में करो, नाम जप अरुचि से करो, फिर भी नाम जप अपना प्रभाव जरूर छोड़ता है। इसलिए नाम जप जरूर करते रहना चाहिए। नाम में वो ताकत है कि आपको रोजी रोटी तो दिलवाता ही है, पर नाम जप जन्म जन्मांतर के पापों को धोकर आपको आह्लादित और प्रसन्न बना देता है। नाम जप के प्रभाव से तुलसीदास ने 500 कोड़ी के रोगियों को ठीक कर दिया, सूरदास ने एक राम के नाम से मुर्दे को जीवन दान दे दिया, कबीर के पुत्र कमाल ने 3 बार राम के नाम से काशी के राजा को स्वस्थ कर दिया। नाम जप जितना अधिक आपके जीवन में होगा, यदि आप नाम जप करके उस जल को पानी पी लेते हैं तभी भी आप स्वस्थ होने लगते हैं। नाम जप में वो जिस भी नाम में श्रद्धा हो, विट्ठल में श्रद्धा हो, पांडुरंग में श्रद्धा हो, राम नाम में श्रद्धा हो, कृष्ण में श्रद्धा हो, जिस भी नाम में आपकी श्रद्धा हो उसका सतत सतत और सतत जप करते रहना चाहिए। बातें तो हम करते हैं ना, सारा दिन बातें करने में हम थकते नहीं, पर थोड़ा सा जप कर लिया तो टाइम क्या हुआ है, समय देखने लग जाते हो। तो भजन में समय नहीं देखना चाहिए, बातों में समय देखो, भोग विलास में समय देखो, पर भजन में कभी भी समय की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जितना भजन अधिक, जितना भजन अच्छा उतना ही आपका भाग्य अच्छा, जितना भजन अच्छा उतना ही आपके चित्त में भक्ति अच्छी, और जितनी भक्ति अच्छी उतनी ही भगवान की प्रसन्नता अच्छी। अगर संसारी व्यक्ति खुश हो जाएगा तो आपको क्या दे देगा, एक मकान, एक दुकान, 4 कपड़े, 4 साल की रोटी, पर यदि परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे तो सारे त्रिलोकी का राज्य भी उसके लिए तुच्छ हो जाएगा, वो मिल जाएगा। ईश्वर का नाम सतत सतत और सतत लेते रहना चाहिए, मन हो या ना हो। रावण ने तो शत्रुभाव से भगवान का नाम लिया, तभी भी उसे वही मुक्ति मिलती है जो मुक्ति योगियों को मिलती है। शबरी को जो मुक्ति मिलती है वही रावण को मिलती है, जो कंस को मिलती है, शिशुपाल को मुक्ति मिलती है, वही कृष्ण के भक्तों को, अक्रूर जी को मुक्ति मिलती है। तो भगवान ये नहीं देखते कि आपका भाव शत्रु का है या मित्र का, पर आप किससे प्रीति करते हो वो ये देखकर अपने आप को न्योछावर करने को तैयार हो जाते हैं। उसका नाम भगवान है, भगवान परम सुहृद है, परम करुणाशील है। आपको लगता है, यहाँ जो जितने लोग बैठे हो, आपको लगता है कि परमात्मा ने आपको आपकी योग्यता से ज्यादा दिया है? क्या मानते हो आप? आपको जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है वो अपनी योग्यताओं से ज्यादा मिला है आपको, मानते हो? कितने लोग मानते हो, हाथ ऊपर करो। ईश्वर ने आपको आपकी योग्यताओं से ज्यादा दिया है,
जब उसने देने में सोचा नहीं तो आप नाम लेने में क्यों सोचोगे? नाम लेना, सतत नाम लेना। जरूरी नहीं कि उसके लिए माला करें, जरूरी नहीं है कि उसके लिए पूजा और अर्चना हो। वो तो जहां आप याद करते हो वही हाजरा हजूर होता है, क्योंकि वो सर्वदा सर्व समर्थ और सर्व अवस्थाओं में उपलब्ध है, सर्वत्र है। इसीलिए भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। परमात्मा का नाम मधुर से मधुर, पावन से पावन है। जो व्यक्ति बीमार है उसे अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः का कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति निर्भीकता चाहता है और बल चाहता है उसे ओमकार का जप करना चाहिए। जो शांति और रोजगारी चाहता है उसे राम नाम का जप करना चाहिए। और जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है उसे सतत ओमकार के जप में लीन रहना चाहिए। ये मंत्र उसी तरह काम करते हैं जैसे आप किसी को बुलाओ, ए अंजलि, ए श्यामा भाई, तो श्यामा भाई जवाब देगा ना। राम है कि श्याम है? श्याम, तो है मुझे बुलाया क्या? तो जैसे आप श्याम को बुलाते हो तो श्याम उत्तर देता है, ऐसे ही आप जिस नाम को पुकारते हो वो परमात्मा भी आवाज देता है। ये परमात्मा का टेलीफोन नंबर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः। इस मंत्र से स्वास्थ्य उत्तम होता है, घर में शांति बनी रहती है, बीपी की शिकायत है तो वो भी ठीक होने लगता है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्र अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः का संकीर्तन एक साथ करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते बातें करने में हम जितने होशियार हैं भगवान का नाम लेने में, उससे आधे भी होशियार हो जाएं तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। प्रीति पूर्वक भक्ति सहित भोजन में जितने होशियार हैं भजन में, उससे आधे भी होशियार हो जाएं तो हमारी आने वाली कई पीढ़ियां तर जाएगी। हुई वासुदेवाय श्री कृष्णाय।
वासुदेवाय 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 पांडुरंगाय वासुदेवाय 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 पांडुरंगाय वासुदेवाय 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 विठ्ठलाय वासुदेवाय 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 विठ्ठलाय वासुदेवाय 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 श्रीकांताय वासुदेवाय 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 श्रीशांताय वासुदेवाय 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 श्रीशांताय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आनंदाय नमः अच्युताय नमः गोविंदाय नमः गोपालाय नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सबसे बड़ा पाप है अपने आप को दुर्बल मानना, अपने आप को शक्तिहीन और मैं ये नहीं कर सकता ये मानना, अपने आप पर अत्याचार करना। ऐसा कौन सा कर्म है, ऐसी कौन सी स्थिति है या ऐसी कौन सी सफलता है जिसे आप चाहो और आप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप मनुष्य हो, आप में परमात्मा ने वो बल भरा है, अपने बल को जागृत करो, बस इतनी सी बात है। भाग्य कोई चीज नहीं होती, विकट से विकट परिस्थिति भी यदि कोई बदल सकता है वो इंसान के पुरुषार्थ में दम है कि वो बदल सकता है। यदि आप कहते हो कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, तो जितना आप ऊंचा उठ सकते हो उतना सपोर्ट लेने वाला व्यक्ति नहीं ऊंचा उठ सकता। चलने वाले अकेले चला करते हैं, जमाना बाद में उनके पास। आज तक जितने भी लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं अकेले ही चले हैं। अगर वे जमाने का इंतजार करते ना कभी पहुंच पाते ना कुछ हासिल कर पाते, यही सिद्धांत है। या ये इंतजार करते रहोगे कि परिस्थिति अनुकूल हो तब मैं अपना कार्य आरंभ करूं, आप न कहीं पहुंच सकते हो न कार्य आरंभ कर सकते हो। पर यदि जो कोई भी पहुंचा है विपरीत अवस्थाओं में ही पहुंचा है, यदि आप कहते हो स्थिति अनुकूल नहीं है, लोग अनुकूल नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, उसका फायदा उठाओ। अनुकूल नहीं है तो अकेले चलो, आपका यश होगा, कीर्ति मिलेगी,
परिस्थितियां आज नहीं तो कल अनुकूल होगी। निंदा करना, एक दूसरे पर टोपी डालना बहुत आसान होता है, पर करना किसी किसी मर्दों का काम होता है। आप मत बोलिए, आपके कर्म को बोलने दीजिए। कर्म बोलता है। अपने ही काम का यश अगर आप गाओगे तो 2 को बोलोगे, 10 को बोलोगे, पर जिस दिन आपका कर्म बोलने लग जाएगा उसे दुनिया देखती रह जाएगी। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे नरकः। सोते हुए शेर के मुख में जैसे हिरण प्रवेश नहीं करते, ठीक उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के कोई कार्य सिद्ध नहीं होते, ना ही मनोरथ पूरे होते हैं। अतः वीर उठो। सर्वेषां स्वस्ति भवतु।